पूरे कराची में तीन वीडियो बनाने वाले मौजूद थे और तीसरे हम थे, मैं था। ये कैमरा अब आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होता था। ये चीज फैसिनेट करती थी मुझे यार, कैमरा कैमरा। जब तरह से जवान थोड़ा सा होने लगे थे 18-19 साल के, तो पता लगा लड़कियां भी उनको अहमियत देती, उनका कैमरा होता है, वो कहती है ये फोटो खींचते हैं। देखिए मैं 1962 में कराची में पैदा हुआ। मेरे वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, उन्होंने वहाँ से आगाज किया। बहरहाल हम चार भाई और दो बहनें हमारी थी, मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ काम किया करते थे, अपनी चीज़ें करने शौक़ थे। मुझे शौक़ था फोटोग्राफी का, फोटोग्राफी करने का। वो भी मैंने देखा था कि मेरे एक फूफा थे जो कनाडा चले गए थे पढ़ने के लिए, वो वहाँ उनके पास एक कैमरा होता था यशी का, उससे फोटोग्राफी, तो वो कनाडा से फ़ोटो भेजा करते थे प्रिंट्स के सूरत में अपनी। वो बहुत कलरफुल तस्वीरें लगती थी वहाँ की मुझे उस ज़माने में। ये कैमरा अब आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होता था। कैमरा एक बड़ी चीज़ होता था, थोड़ा महंगी चीज़, बड़ी चीज़ जो किसी ख़ास मौके पे निकलता था। जैसे अगर आपके घर में कोई बच्चे बच्चा भी था, कोई अजीज हो, तो उसकी सालगिरह हो, उसमें कैमरा निकलता था। वो 36 की एक रील डलती थी, उस कैमरे से 4 से 5 तस्वीरें खींच के उस कैमरे को दोबारा पैक करके रख दिया जाता था। फिर अगली ईद पे निकलता था वो, उसमें 3-4 तस्वीरें ईद की खींच ली जाती थी। फिर अब्बा हज पे चले गए तो उनकी तस्वीरें 2-3 खींच ली जाती थी। इस तरह करके 2 से 2.5 साल में वो रील ख़त्म हो जाती थी। कभी जब वो रील ख़त्म होती थी तो फिर वो यहाँ नहीं धुलती थी। ये तो ये चीज़ें, अब आप बच्चे को रील नहीं पता वो रील क्या होती है। वो रील बाहर जाती थी हमारे, उसको कहीं बाहर इंग्लैंड इंग्लैंड कहीं जाती थी, वहाँ से वो धुल धुला के 2-2.5 महीने में वापस आती थी। उसके छोटे छोटे प्रिंट 3R साइज जो आपका कहलाता है, वो बनते थे। हम उनको फोटो देखे, हाँ याद है ये वो था, पप्पू की सालगिरह थी उसमें हमने एक तस्वीर खींची, हाँ देखो कितना बड़ा हो गया, जब वो फोटो आती है। तो वो ये चीज़ फैसिनेट करती थी मुझे यार, कैमरा कैमरा। अच्छा कैमरा, जब जाहिर है कैमरा होता था अट्रैक्ट करता था लोगों को, इनके पास कैमरा है तो उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती थी। जिनका कैमरा होता था वो उनको कहीं बुलाया जाता था कि आप हमारी फ़ोटो खींच दें, लोग भी अहमियत देते थे। जब तरह से जवान थोड़ा सा होने लगे थे 18-19 साल के, तो पता लगा लड़कियां भी उनको अहमियत देती, उनका कैमरा होता है, वो कहती हैं कि ये फ़ोटो खींचते हैं। तो बहरहाल कैमरे का शौक़, कैमरा वालिद के पास एक कैमरा 110 कैमरा कहलाता था वो, जिसमें एक 110 110 मिलीमीटर की रील पड़ती थी, जो अब रील पड़ती 35 मिलीमीटर की होती, वो छोटी होती थी, उससे हम फ़ोटो खींचा करते थे। फ़ोटो खींचना शुरू किए और 12 की रील पड़ती थी, 12 एक्सपोजर की रील पड़ती थी, उसमें थे 5-6-4 कभी सही फ़ोटो आया करते थे, ज़्यादा नहीं आते थे अच्छे, क्योंकि पता ही साइंस ही नहीं बताती। ये जो लाइट्स अब हुई हुई हैं, ये तो लाइट्स तो खैर बेचारी सवाल नहीं, फ्लैश होती थी, फ्लैश लगती थी। हम इतने बेवकूफ़ तो समझते थे ये लाइट जल रही है ना, ट्यूब लाइट हमारे घर में जल रही है, तेज़ लाइट है, ये बहुत तेज़ लाइट, ये फ़ोटो खींच लेगी। उसके लिए वो लाइट काफ़ी नहीं थी, अब के कैमरों के लिए काफ़ी है वो लाइट, उसके उन कैमरों के लिए काफ़ी नहीं थी, उसके लिए फ्लैश मांगता था वो। तो बहरहाल हम वनडन के इसलिए उसमें 12 तस्वीरें होती, 6 तस्वीरें, 5 तस्वीरें आ जाती, 5 नहीं आती। तो हमारा रिजल्ट वो भी अच्छा था कि 5 तस्वीरें आ जाती, हम दिखाते तस्वीर हमने खींची। बहरहाल होने लगा, इन शौक को देखते देखते वालिद साहब ने एक कैमरा ला दिया, वीडियो कैमरा। ये मैं बात करूँ अर्ली 82 की 83 की बात करूँ, वह एक कैमरा, वीडियो कैमरा ला दिया, जिसके साथ हाँ ताम तो बड़ा बहुत होता था उसके साथ, उसके साथ एक VCR अलग लटकता था, इतना बड़ा VCR 100, जो इतना बड़ा जो जिसे कह रहा हूँ VCR, वो सबसे लाइटेस्ट VCR होता था, सबसे हल्का छोटा VCR, मतलब असल VCR 86-10 इतने बड़े होते थे और ठकाक करके खुलते थे, उसमें 3 कैसेटें लगती थी एक के बाद, तो वो उससे एक फिल्म देख सकते थे, 3 कैसेटों में एक फिल्म। अब वो फिल्म मैं इसमें देखता हूँ, इतने से पूरी मूवी कोई भी दुनिया की मैं कुछ देखना हूँ। तो वो देखा वो अब वो कैमरा हमारे पास आ गया, उसमें उसके साथ ना सिर्फ वो कैमरा, कैमरा भी था तो VCR भी था तो एक लाइट भी थी, तो ये सारी चीज़ें थी हमारे पास। हम अकेले ऑपरेट करने का हमारे साथ अंदर कोई ऑपरेट हम करने लगे, मगर हमें एक शौक़, अच्छा हमने ना शौक़ ये थे कि यार कोई अच्छी चीज़ बनाएं, इससे कहीं जाके कोई अच्छी चीज़ अच्छा काम कर लें, कोई बना लें। कभी हम कहीं पहुंच जाते थे, किसी अच्छे पार्क में पहुंच जाते थे, फूलों की वीडियो बना लेते थे। फिर हमने खुद ही ये जो टाइम लैप्स का जो हफ चक्कर है, हमने खुद ही दरियाफ्त किया टाइम लैप्स को।
कि एक फूल है, हमने सोचा कि ये रात को खिलता है, मतलब रात को बंद होता है सुबह खिला हुआ होता है, तो ये रात को बंद सुबह खुद तो नहीं खिल जाता होगा ना, ये थोड़ा थोड़ा करके खुलता होगा ना। हाँ, हमने कहा जो अब यकीन करें, हमने ये तक नहीं, हमने उस जमाने वो वीडियो कैमरा था, अच्छा लो लगता, लाइट कम लाइट में काम, हमने इस तरह के ट्राईपॉड भी लेके उस पर वो कैमरा लगा के उस फूल को बिल्कुल जूम करके फिक्स कर लिया। ये काम हम मगरिब से शुरू करते थे, 5 सेकंड की वीडियो बनाते थे बंद कर देते थे, 1 घंटे बाद फिर 5 सेकंड की वीडियो बनाते थे बंद कर देते थे, फिर 2 बजे 5 सेकंड ही बनाते, करते करते सुबह 7 बजा देते थे हम, 5 सेकंड की वीडियो बनाते थे, हर घंटे वो बंद कर देते थे। जब हम वीडियो चलाते थे तो हमें वो फूल खिलता महसूस होता था। ये लोगों के लिए बड़ी हैरानंगेज बात थी कि यार ये अच्छा ये फूल ऐसे खिलता है, या इसी तरह शौक अलग। सुबह जब फजर भी नहीं होती थी, अजानों से आधी रात से पहले हम समंदर पे चले जाया करते थे, समंदर पे अपना कैमरा लगा, हमें ये पता था सूरज यहाँ से निकलता है, हम कैमरा लगा दिया करते थे और अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से बहुत पहले हम कैमरा लगा देते थे और कैमरा ऑन कर देते थे, कोई 5 सेकंड 10 सेकंड, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद 10 सेकंड, हर थोड़ी देर बाद 10 सेकंड, हर थोड़ी देर बाद वक्त के सूरज निकल के ऊपर चला जाता था। तो जब हम वीडियो चलाते थे तो हमें पूरा सूरज निकलता हुआ स्पीड से निकल आता, जो अब टाइम लैप्स जो आप लोग यूज़ करते हैं वो हम उस वक्त करते थे। बहरहाल ये शौक था हमारा। हुआ ये कि वालिद का एक दोस्त थे, वो उनकी किसी बच्ची की सालगिरह थी, उन्होंने हमें कहा कि जी वो उनकी एक सालगिरह है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि तुम उनकी बच्ची की सालगिरह की वीडियो बना दोगे। ये काम हमने किया नहीं था, मगर वालिद का कैमरा था, वालिद ने दिया था, वालिद ने कहा उनके दोस्त, हम चले गए उनके घर, वहाँ हमने बच्ची की सालगिरह की मूवी बनाते रहे। यहाँ से देखिए हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ ज़िंदगी में। उस वक्त तक हमने एक पैसा भी नहीं कमाया था, एक रुपया भी हमें किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं किया था हमने, ना उस सालगिरह के कोई पैसे मिलने थे बनाने के हमें। मैं बताऊँ टर्निंग कहाँ से आती, वहाँ से वहाँ एक साहब थे सफारी सूट पहने हुए, आज तक नाम जानते, विंग कमांडर यामीन खान उनका नाम था। वो मुझसे जब वो सालगिरह ख़त्म हो गई, खाना वाना खाने लगे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, हम मूवी बना रहे थे, उन्होंने पूछा जेंटलमैन यू आर डूइंग दिस प्रोफेशनली और जस्ट एमेच्योर। मैंने कहा नहीं सर, आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली, प्रोफेशन तो था ही नहीं, वही था जो भी था, बट हमने कहा नहीं हम अच्छा प्रोफेशनली काम करें, आई एम डूइंग इट प्रोफेशनली। ओके, वो खाना खाते खाते उन्होंने मुझसे कहा कि जेंटलमैन हमें भी कुछ काम करवाना है इस तरह का। उस ज़माने में एज आई सेड कि ये कैमरा वैमरे इतने आम नहीं थे, वीडियो कैमरे एटीज़ में आम नहीं थे। पूरे कराची में 3 वीडियो बनाने वाले मौजूद थे, पूरे कराची में 3 वीडियो बनाने वाले मौजूद थे। एक एस्क्वायर था, एस्क्वायर आफ्ताब करीमी, ESQIRE लिखते थे वो, नॉर्थ आबाद में था एस्क्वायर, वो वीडियो बनाता था। एक आमिर इलेक्ट्रॉनिक्स था सदर में, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, इन पर कैमरे बेचते थे वो, मगर उन कैमरे मूवी भी बनाते थे। और तीसरे हम थे, मैं था, पूरे पाकिस्तान पूरे कराची में, खासतौर लाहौर वाहौर का मुझे पता नहीं था, उस दौरान वहाँ तो खड़े हो गए, ये वो दौर था। हम जब उन्होंने पूछा तो आप ये प्रोफेशनली कर रहे हैं या एमेच्योरिश, मैंने कहा नहीं मैं प्रोफेशनली करता हूँ। उन्होंने कहा हमें भी कुछ काम करवाना है तो आप कल मुझसे ऑफिस में मिलें आके। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने अपना कार्ड निकाल के मुझे दिया, ये मेरा कार्ड है। वो कोई शायद डायरेक्टर जनरल या कोई इस टाइप की चीज़ें सिविल एविएशन अथॉरिटी के, हमें दे दिया हमारे लिए। उन्होंने कहा अच्छा जी कल आप मुझसे मिलेंगे कार्ड में। हमने जेब में रख लिया कार्ड और वो अगले दिन हमने वाले को बताया कि उन्होंने हमें बुलाया है, कहा है कहा चले जाए। हमने एक मोटरसाइकिल होती थी हमारे पास, ट्रेल, सुजुकी ट्रेल, हमने वो दबाई, सुबह हम पहुँच गए फालिगान भी दुनिया के। वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर पहुँच के जिना टर्मिनल पुराना एरिया जहाँ उनका, अब वहाँ खड़ी कर दिया, अंदर घूमते, जिससे पूछते थे कि जिनसे मिलना है, जामिन खान साहब से मिलना है आपको, जी आप आगे आ जाए, जिससे पूछ जामिन खान साहब से मिलना है जी आगे आ जाए। हर कोई हमें प्रोटोकॉल देता कि जमीन साहब का कार्ड हमारे पास, और हमने कहा उन्होंने बुलाया, तो हमें लगा कोई बड़ी चीज़ है। अंदर जाएगा वो एक जनरल, उस ज़माने में एयरपोर्ट सिक्योरिटी इतनी अहम नहीं होती जितनी अब होती है 80s के बाद। हमें अंदर लगा एक जगह, बहरहाल बहुत बड़ी फर्स्ट फ्लोर पर कहीं बड़ा सा हॉल था, वहाँ ले गए कमरा, कमरे में वहाँ उन्होंने जमीन खान साहब से कहा मौसम जी बुलाइए कल मेरे, जी जी हेलो क्या क्या हाल है, उसने कहा ठीक है। एक दो लोग और बैठे थे, मुझसे कहने लगे जनरल हमारे स्टेशन एयरपोर्ट से कराची, पाकिस्तान में कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर मुल्तान, एग्जैक्टली ये लिखते
ये पांच एयरपोर्ट हमें यहाँ पर छोटी छोटी वीडियोस बनानी है कि टेलीविजन क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमारी बस किस तरह चलती है, हमारे पैसेंजर लाउंज कैसे हैं, हम क्या पैसेंजर्स को फैसिलिटीज देते हैं, हम किस तरह जहाज पे लेके जाते हैं, क्या क्या सहूलियात हैं हमारी, फैसिलिटेशन में क्या हैं। तो हम पाँच पाँच मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं कराची लाहौर इस्लाम पेशावर मुल्तान, तो उसमें आप बना देंगे वीडियो में? हम तो घंटे ही बनाते थे पाँच मिनट। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी ये है, इसको एडिट करके टाइटल के साथ आप लिख दीजिए, उसके साथ कराची लाहौर जो भी मैंने डाला है, ठीक है। अब कराची तक तो समझ में आ रही थी बात हमें, कि लाहौर इस्लाम पेशावर मुल्तान ये समझ में नहीं आ रही थी बात। हमने पूछ लिया, हमने कहा जी कराची में तो आके बना देंगे हम, आके आपकी सुबह बना भी देंगे, वो भी कर लेंगे, ये लाहौर इस्लाम पेशावर मुल्तान कैसे बनाएंगे हम, क्या मतलब हम जाएंगे कैसे? कहेंगे हमारा जहाज लेके जाएगा आपको, एयरक्राफ्ट लेके जाएगा, और वो जहाज आप जब तक वहाँ रहेंगे काम करते रहेंगे वो जहाज रहेगा। अगर आप शाम को आना चाहते हैं, शाम को जो फ्लाइट आ रही होगी 7 बजे वो आपको ले आएगी। अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं, अगले दिन भी काम होगा आपका, तो आप रुक जाइएगा, हम आपको स्टे भी देंगे, और अगले दिन जो अगली फ्लाइट अगले दिन आएगी शाम को उसमें आ जाइएगा आप। ओह, ये बात फैसिनेट कर गई हमें, जहाज में बैठे ही नहीं थे कभी, जहाज पता नहीं क्या, होटल स्टे नहीं, कुछ नहीं किया था कभी, स्टूडेंट थे। हमने कहा यार ये तो मजे की चीज़ है कि हमें लाहौर जहाज में अपने ले जाएंगे, पैसे भी नहीं लेंगे, और हमें वहाँ ठहरा देंगे और हम वहाँ काम करेंगे, और अगर हमें इतना टाइम मिल जाए 2 दिन का तो हम तो यार रुक के काम करें, हमें इससे परवाह नहीं थी क्या। हमने कहा काम तो फिर 2 दिन रख के करेंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, एडिट करना भी हमें खुद आती थी, तो हमने कहा ये शॉर्ट्स ला के एडिट करके 5 मिनट फिर काट देंगे, कोई ख़ास वो नहीं, म्यूज़िक पे था।